वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग सरल इंग्लिश गुरु स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ड। हमारे साथ सीखिए बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश, दिस इज सुरेश मौर्य। चलिए फ्रेंड्स, आप नोटबुक पेन कॉपी निकाल करके फिर से एक बार हो जाइए तैयार। आज हम पढ़ेंगे हमारे नए लेसन के साथ में, इस नए वीडियो के साथ में, हमारे पैसिव सेंटेंसेस की लगातार सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप आज देखेंगे हमारे पास्ट परफेक्ट में बनने वाले पैसिव सेंटेंसेस। हम देखेंगे एक्टिव सेंटेंसेस को हमारे पास्ट परफेक्ट में हम पैसिव में किस तरह से बदलेंगे, जिस तरह से हम लगातार बना रहे हैं। हमने देखा है कि एक्टिव वॉइस में हमारे सेंटेंसेस, एक्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें सब्जेक्ट प्रधान होता है, सब्जेक्ट महत्व रखता है। सब्जेक्ट को हम सर्वेसर्वा मान करके सेंटेंसेस की शुरुआत करते हैं और हमारे पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को हम महत्व देते हैं, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है और ऑब्जेक्ट से ही हमारे सेंटेंसेस की शुरुआत होती है, जिस ऑब्जेक्ट को हम महत्व देते हैं। और आज हमारे पास्ट परफेक्ट में इसी तरह के हम एक बार और देखेंगे सेंटेंसेस। तो आप नोटबुक पेन कॉपी निकाल करके खोज जाइए तैयार सीखने के लिए नए तरीके के सेंटेंसेस, जिस तरह से हमने पढ़े हैं। अभी हम सीखेंगे हमारे पास्ट परफेक्ट में सेंटेंसेस और होने वाले जो नियम हैं, परिवर्तन हैं हमारे पास्ट सेंटेंसेस में हम जो बनाएंगे। सारे पैसिव के रूल, सारे तरीके हम पहले भी सीख चुके हैं, हम देख चुके हैं कि किस तरह के नियम हमारे होते हैं, बनाए जाते हैं और हम किस तरह के सेंटेंसेस आप यूज करेंगे हमारे सेंटेंसेस में, पैसिव सेंटेंसेस में। तो आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिए। हम चलते हैं हमारे इस नए सेंटेंसेस के साथ शुरुआत करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक पर, जिसकी लिंक हमने शेयर किया है। आप हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ करके हम कुछ और नई चीजें सीखेंगे और आप हमारे साथ कर सकेंगे चैट भी। तो चलिए, जो हम सेंटेंसेस आज देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, उसको नए पेज से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमारे जो सेंटेंसेस हैं पास्ट परफेक्ट में, पहले कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसों के। हमारे एक्टिव सेंटेंसेस जो होंगे हमारे वो किस तरह से होंगे, हम देखेंगे कि हमारे जो सेंटेंसेस हैं हमारे फेसबुक के साथ में पेज में आप जुड़ सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में हमने सारे सेंटेंसेस के तरीके जो हम सीखे हैं, हमने सीखे हैं पैसिव बनाना, उन्हें हमने आपके लिए हमने सेव रखा है। आप वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। हमने लिंक भी आपके साथ कुछ शेयर करी है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आप डायरेक्ट हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे सेंटेंसेस। पहले एक नज़र डालते हैं हमारे फॉर्मूले पर। हमारा एक्टिव टेंस जो हमने पढ़ा है, पहले भी यूज किया है, हमारे सब्जेक्ट होंगे, हमारा जो सब्जेक्ट होगा हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड होगा। हेड्स हमारे सभी सेंटेंसेस में किसी भी प्रकार के जो सब्जेक्ट होगा, करता होगा, उसके साथ इस टेंस में पास्ट परफेक्ट में हेड ही सहायक क्रिया के रूप में यूज होगी। क्योंकि यह परफेक्ट टेंस है तो हमारा मेन वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में हमें सेंटेंस में मिलेगा और ऑब्जेक्ट जो होंगे हमारे वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट एक नंबर का, जो पहला नंबर ऑब्जेक्ट है, अगर हम उससे पैसिव बनाए तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। हमें पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट नंबर वन और हैड बीन का यूज करते हुए मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म जो हमारा होगा, मेन वर्ब हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। तो ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर पैसिव सेंटेंसेस बनाते समय उसी तरीके से जिस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन और हैड बीन का यूज करते हुए, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हुए सेंटेंसेस बनाया था, पास्ट परफेक्ट में हमें हैड बीन का यूज करना होगा और हम बाय के साथ सब्जेक्ट को एंड में, आखिर में लिखेंगे। अगर हमें जरूरत होती है तो हम इसका यूज करेंगे। तो चलिए हमारा पहला एग्जाम्पल देखते हैं, आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ पाएंगे। ही हैड गिफ्टेड एन इम्पोर्टेंट पेन टू हिज ब्रदर, उसने एक इम्पोर्टेड पेन अपने भाई को गिफ्ट किया था। तो हमारा पैसिव बनेगा एन इम्पोर्टेड पेन हैड बीन गिफ्टेड टू हिज ब्रदर बाय हिम, एक इम्पोर्टेड पेन उसको गिफ्ट दिया गया था उसके भाई के द्वारा, एक इम्पोर्टेड पेन उसे गिफ्ट किया गया था। सेकेंड सेंटेंस देखिए, माई टीचर हैड नॉट टॉट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेरे टीचर ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ाया था। हम बनाएंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ाए गए थे टीचर्स द्वारा, तो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैड नॉट बीन टॉट बाय माई टीचर, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे टीचर्स द्वारा नहीं पढ़ाए गए थे। तीसरा देखिए, गौरी एंड रूपा हैड अरेंज न्यू क्लॉथ फॉर हिम, गौरी और रूपा ने उसके लिए नए कपड़ों का बंदोबस्त करा था, अरेंज किया था, तो उसके लिए नए कपड़े का अरेंजमेंट कर दिया गया था। न्यू क्लॉथ हैड बीन अरेंज, नए कपड़े का अरेंजमेंट कर दिया गया था, न्यू क्लॉथ हैड बीन अरेंज, नए कपड़े का अरेंजमेंट कर दिया गया था, न्यू क्लॉथ हैड बीन अरेंज फॉर हिम, न्यू क्लॉथ नए कपड़ों का अरेंज उसके लिए गौरी और रूपा द्वारा कर दिया गया था। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं हमारा, सी हैड पैड ऑल बिट्स, तो आप कलर कोड में देख रहे हैं हमारे ऊपर के तीनों सेंटेंसेस में हमारे पास एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है,
लेकिन जो चौथा सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट नहीं है नीले रंगों से, जो आप देख रहे हैं अतिरिक्त एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट वो नहीं है। सी हैड पेड ऑल बिल्स, उसने सारे बिल्स पे कर दिए थे। ऑल बिल्स हैड बीन पेड बाय हर, पूरे बिल उसके द्वारा चुका दिए गए, पूरे बिल चुका दिए गए थे। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैड नॉट सोल्ड हिज बाइक, उसने अपनी बाइक नहीं बेची थी, उसने अपनी बाइक नहीं बेची थी। हम सेंटेंस बनाएंगे पेसिव में, हिज बाइक हैड नॉट बीन सोल्ड बाय हिम, उसकी बाइक नहीं बेची गई थी उसके द्वारा, उसकी बाइक नहीं बिकी थी, उसकी बाइक नहीं बेची गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा पास्ट परफेक्ट में बनने वाले कुछ पेसिव सेंटेंसेस हमने देखे हैं, हमारे एक्टिव सेंटेंसेस को हमने देखा, कलर कोड से समझने की कोशिश की है, और सेकेंड ऑब्जेक्ट को उसी तरह से आपको बाद में लिखना है जिस तरह से हमने पिछले एग्जाम्पल्स, पिछले पेसिव सेंटेंसेस, एक्टिव सेंटेंसेस अलग अलग टेंस में बनाए थे। हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव अलग लगातार सेंटेंसेस के परिवर्तन किए हैं। पेसिव सेंटेंसेस को किस तरह से हमारे जीवन में, हमारे ग्रामर में, हमारे एग्जाम्स के समय उपयोगी होते हैं, और हम इसे बोलचाल में किस तरह से उपयोग करेंगे वो सेंटेंसेस हम आगे सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आप इन्हें नोट कर लीजिए, अगर आप कोई सेंटेंसेस अभी मिस कर जाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, आप इन्हें पहले अच्छे से देख लीजिए, कमेंट करिए आप किस तरह से सीख रहे हैं, हमारे इन सेंटेंसेस के माध्यम से आप पेसिव किस तरह से बना पा रहे हैं, आपको किस तरह से हेल्प मिल रही है हमारे इस वीडियो से, और आपको जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं वो आपके लिए कितने उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को फिर से एक बार स्टार्ट करके देख लीजिएगा। हम चलेंगे हमारे नए पेज पर। आपके पास जो एग्जाम्पल्स होते हैं पेसिव सेंटेंसेस के, आपके जो स्कूल, आपके कॉलेज और आपके जो एंट्रेंस एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उन्हें आप इन्हीं के माध्यम से सॉल्व करके देखिए, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आपको कोई भी डाउट कन्फ्यूजन होगा तो जरूर कॉमेंट करिएगा। हम दिखाते हैं अगले कुछ सेंटेंसेस अफर्मेटिव नेगेटिव पास्ट परफेक्ट में। आप हमारे पहले जो हमने पिछले पेज में अभी जो एग्जाम्पल्स देखे हैं उन्हें जरूर ध्यान रखिएगा, जरूर देख लीजिएगा। हमारे प्लेलिस्ट में अलग अलग लेसन सेव हैं हमारे पेसिव, हमारे एक्टिव, हमारे मॉडल और डेली यूज में आने वाले लेसन के, हमारे स्टोरीज के माध्यम से समझने की हमने कोशिश की है, वो सारे लेसन भी हमने सेव रखा है। तो चलिए देखते हैं अगले पेज में हमारे इस सेंटेंसेस में हमने किस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, आप देख सकते हैं हमारे एक्टिव और पेसिव के जो सूत्र है, फॉर्मूला है, हमने पिछले पेज पर उसे देखा है, डिटेल से पढ़ा है। एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, यहाँ पर आप पिछले पेजेस को, फॉर्मूले को, एग्जाम्पल्स को बेहतर ढंग से समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो हम सेंटेंसेस दिखाने जा रहे हैं वो सेंटेंसेस आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल होंगे, आपके लिए सारे सेंटेंसेस जो होंगे हम देखते हैं। छठवां नंबर का सेंटेंसेस, वर्कर्स हैड डग द पिट्स टिल 5 PM, मजदूरों ने 5 बजे तक गड्ढे खोदे थे, 5 बजे तक गड्ढे खोदे गए थे, हमारा पेसिव बनेगा। द पिट्स हैड बीन डग टिल 5 PM बाय वर्कर्स, वर्कर्स द्वारा 5 बजे तक गड्ढे खोदे गए थे, गड्ढे खोदे गए थे 5 बजे तक, इस तरह से पेसिव बना। द जज हैड फ्रीड द थीफ बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर, अच्छे बिहेवियर के कारण जज ने उन्हें चोर को आजाद कर दिया था, छोड़ दिया था, तो चोर को छोड़ दिया था, जज द्वारा छोड़ दिया गया था। द थीफ हैड बीन फ्रीड बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर बाय द जज, जज के द्वारा चोर को अच्छे व्यवहार के कारण छोड़ दिया गया था, चोर को छोड़ दिया गया था। आठवां देखिए, मैकेनिक हैड रिपेयर्ड द मशीन इन जस्ट 5 मिनट, मैकेनिक ने 5 मिनट के अंदर ही मशीन को सुधार दिया था, मशीन को सुधार दिया था। द मशीन हैड बीन रिपेयर्ड इन जस्ट 5 मिनट्स बाय मैकेनिक, तो मैकेनिक ने मशीन को 5 मिनट में, तो मशीन को सुधार दी गई थी, बना दी गई थी 5 मिनट में मैकेनिक द्वारा। 9 नंबर का हमारा एग्जांपल देखिए, पब्लिक हैड मेड ए कंप्लेंट अगेंस्ट कॉर्पोरेटर, पार्षद के खिलाफ लोगों ने शिकायत करी थी, जनता ने शिकायत करी थी, तो जनता ने शिकायत करी थी, शिकायत की गई थी। ए कंप्लेंट हैड बीन मेड अगेंस्ट कॉर्पोरेटर बाय पब्लिक, जनता द्वारा पार्षद के खिलाफ शिकायत की गई थी, शिकायत की गई थी पार्षद के खिलाफ। 10वां नंबर हमारा सेंटेंस है, वर्कर्स हैड ब्रोकन दोज लार्ज स्टोन्स, उन बड़े पत्थरों को मजदूरों ने तोड़ दिया था, तोड़ चुके थे, तोड़ दिया था। तो हमारा सेंटेंस है, दोज लार्ज स्टोन्स हैड बीन ब्रोकन बाय वर्कर्स, उन बड़े पत्थरों को मजदूरों द्वारा तोड़ दिया गया था, बड़े पत्थरों को तोड़ दिया गया था। तो अभी आपने यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट के एक्टिव सेंटेंसेस को पेसिव में बदलने के नियम देखे, हमने 2 पेजेस में
10 एग्जांपल्स आपने देखे, इन्हें आप फिर से एक बार देख लीजिए, कमेंट करिए कि आपने किस तरह से सीखा है। हमारे इस वीडियो को फिर से एक बार रिस्टार्ट करके सारे सेंटेंसेस पर आप एक नज़र डाल लीजिए, इन्हें नोट कर लीजिए। इसी तरह के एग्जांपल्स हम अगले वीडियोस में और भी लाते रहेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, हम सेंटेंसेस देंगे आपको बनाने के लिए। हमने अभी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस देखे हैं, हम अगले वीडियोस में जब बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नात्मक सेंटेंसेस, और हम देखेंगे कि जब बाय का यूज किस तरह से नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को फिर से एक बार स्टार्ट करके देख लीजिए, कमेंट करिए आप किस तरह से सीख रहे हैं, हमारे साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल को दूसरों तक पहुँचाइए, वो भी इस तरह से सीख पाएँ और अपने एग्जाम्स में बेहतर ढंग से नंबर ले पाएँ। स्कूलों में, कॉलेज में, एंट्रेंस एग्जाम में होने वाले जो ग्रामर के परिवर्तन होते हैं उसे वो बेहतर ढंग से समझ पाएँ। और हमारे अगले वीडियोज़ में हम इस तरह के सेंटेंसेस अलग ढंग से लाएंगे, अलग पैटर्न में लाएंगे। Keep watching Saral English Guru. Step towards English word. Subscribe our channel, like and comment, press bell icon so that you can get latest video. Share your knowledge with us. Make your group larger and better. Thanks for watching. Bye bye.